हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पीयूष शर्मा, मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में अपन क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड का जो चैप्टर नंबर 12 है हेरोन्स फॉर्मूला, उसकी एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इसका क्वेश्चन 5 में आपको गिवन है, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स एरिया। पेरीमीटर आपको गिवन है यहाँ पे 540 सेंटीमीटर, और साइड्स का आपको क्या गिवन है यहाँ पे रेशियो गिवन है, तो आपको एरिया क्या करना है फाइंड आउट। तो सबसे पहले तो कॉमन रेशियो अपन इसमें कंसिडर करेंगे, क्या बताओ, एक्स। लेट कॉमन रेशियो बिटवीन द साइड्स ऑफ ए गिवन ट्राइंगल्स बी एक्स। तो यहाँ पे जब आप रेशियो का साइन रिमूव करेंगे तो अपने पास वेरिएबल आएगा इनके साथ में, तो हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा यहाँ पे 17x, और ये हो जाएगा यहाँ पे 25x। तो इसकी जो साइड अपने पास है, देयरफॉर साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल्स विल बी 12x, 17x एंड 25x। पेरीमीटर जो गिवन है क्वेश्चन में, वो गिवन अपने को 540 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा अपने पास ट्राइंगल का, सम ऑफ ऑल साइड, जो तीनों साइड अपने को यहाँ पे गिवन है उनको क्या करेंगे, प्लस 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540। ये हो जाएगा इन तीनों को ऐड करने में 54x इज इक्वल टू 540, देन x इक्वल टू 540 डिवाइड बाई 54 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू अपने पास आई वो क्या आ गई, 10। तो अब इसकी हेल्प से अपन तीनों साइड इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट साइड अपने पास क्या हो जाएगी यहाँ पे 12x था, तो 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। 17x था, तो 17 इंटू 10 इज इक्वल टू 170 सेंटीमीटर। सिमिलर 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। ये अपने पास आ गई साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की साइड्स अपने पास 120, 170 एंड 250। अब हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इसमें चाहिए अपने को सेमी पेरीमीटर, एस की वैल्यू। तो एस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ए की वैल्यू यहाँ पे 120, बी इज इक्वल टू 170 एंड सी इज इक्वल टू 250। वैल्यू पुट कर देंगे 120 प्लस 170 प्लस 250 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, तीनों को प्लस करने में पास आ जाएगा यहाँ पे 540 डिवाइड बाई 2। कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास 270 सेंटीमीटर। ये तो हो गई एस की वैल्यू, सेमी पेरीमीटर की वैल्यू। यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के एरिया फॉर्मूला अपने पास होगा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, वेयर एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर एंड ए बी सी आर साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। एस इज इक्वल टू 270, एस 270 माइनस ए, ए इज इक्वल टू 120, 270 माइनस बी, बी इज इक्वल टू 170 एंड सी इज इक्वल टू 250। तो 270 माइनस 250, 270 माइनस 170, 270 माइनस 120, अपने पास होगी ए बी और सी की वैल्यू। सोल्व करने पे 270 एज इट इज, 270 माइनस 120 इज इक्वल टू 150, 270 माइनस 170 इज इक्वल टू 100 और 270 माइनस 250 इज इक्वल टू 20। 270 की प्राइम फैक्टर अपन ने किया कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई 27, 27 को 2 से मल्टीप्लाई 54, 54 को 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे पास यहाँ 270। सिमिलर 150 के प्राइम फैक्टर किए 3 इंटू 5 एंड 2 5 इंटू 2, 100 के फैक्टर किए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 25, 2 इंटू 5 20 इंटू 500, देन अपने पास फैक्टर किए 20 के, तो हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इसमें काउंट किया 3 अपने पास कितने टाइम, देखो 1 2 3 4 टाइम्स 3 है, तो अपने पास रूट से बाहर जो अपने पास 3 लेंगे वो लेंगे अपन 2 टाइम्स, क्योंकि 2 पेयर अपने पास बन गए यहाँ पे। अब 5 जो अपने पास हुआ 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 3 टाइम्स 5 आ जाएगा रूट से बाहर, वो क्योंकि 3 पेयर अपने पास 5 के बने, जितने पेयर बनेंगे उतने अपने पास वैल्यू रूट से बाहर आपको लेनी है। अब 2 अपने पास 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे 3 टाइम्स क्या आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा ये 72 मल्टीप्लाई 125 इज इक्वल टू 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर जो सिक्स आपको गिवन है इसका 12.1 का लास्ट क्वेश्चन आपके पास है। इन आइसोसेलस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, इसका एरिया आपको क्या करना है यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हो जाएगा पेरीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ट्राइंगल के अपने पास देखो ए बी सी डाइग्राम में अपने पास ये 12, तो ये भी अपने पास क्या है 12। आपने यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू यहाँ पे कंसिडर किया किसके, ए सी के, और बोथ आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो बी सी अपने कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें ए बी इक्वल टू 12, बी सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अपने पास ये हो गया पेरीमीटर का फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल साइड। यहाँ से 12 + 12 = 24, बी सी प्लस 24 इज इक्वल टू 30 हो गया, और बी सी वैल्यू अपने पास आ जाएगी 30 - 24 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो जो बी सी साइड इसकी हो गई 6। अब इजी वे में अपन इसका फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, एरिया। एरिया के लिए पहले अपने को चाहिए यहाँ पे एस, एस इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू 12 + 6 + 12 / 2 इज इक्वल टू 30/2, 30/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये हो गया यहाँ पे एस। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, फिर एस इज इक्वल टू 15 एंड ए बी सी आर इक्वल 12, 6 and 12 रेस्पेक्टिवली। 15 इज इक्वल टू 3 × 5, प्राइम फैक्टर किया तो 15 - 12 इज इक्वल टू 3, 15 - 6 इज इक्वल टू 9, 3 × 3 एंड 15 - 12 इज इक्वल टू 3। अब इसके पेयर बनेंगे अपने पास 1, 2, 3, 4, 5, 5 times 3 है, तो 2, 2 के अपने पास 2 पेयर बन गए, तो बाहर आ गया रूट से 3 × 3। अब रिमेनिंग अपने पास आएगा 5 × 3 इज इक्वल टू 15, तो 9√15 cm² स्क्वायर ये होगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये अपने पास एक्सरसाइज इसकी 12.1 कंप्लीट। 12.2 की जो अपने पास एक्सरसाइज है वो आपके सिलेबस में इस बार डिलीट कर दी गई है, वो आपके नहीं आएगी बेटे इसमें। 12.1 की एक्सरसाइज कंप्लीट करना, और इसके पहले जो अपने पास एग्जांपल है 3 एग्जांपल्स, वो मैं आपको इस वीडियो में साथ में सोल्व करवा रहा हूँ। देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट आपके पास है, फाइंड एरिया ऑफ ए ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 cm and 11 cm एंड द पेरीमीटर इज 32 cm। एक ट्राइंगल आपके पास ए बी सी, यहाँ पे ये 11 है, ये अपने पास है यहाँ 8 cm, तो थर्ड साइड इसकी फाइंड आउट करेंगे कैसे, वो सेम मेथड, पेरीमीटर इज इक्वल टू 32, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड, यहाँ पे जो साइड्स आपको गिवन थी वो वैल्यू पुट कर देगी, जो रिमेनिंग साइड थी वो अपने पास आ गई 32 - 19, इन दोनों को सम करके वो 32 में से क्या कर देंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, तो अपने पास साइड आ जाएगी ये भी 13 cm। साइड तीनों आने के बाद में वही सेम मेथड, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे इसमें, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू हो जाएगा 11 + 13 + 8/2 इज इक्वल टू 32/2 इज इक्वल टू 16 cm ही आएगी इसमें एस की वैल्यू, सेमी पेरीमीटर की वैल्यू। आफ्टर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हो जाएगा उसके अंदर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर एस इक्वल टू 16 एंड ए बी सी आर 11, 13 and 8 रेस्पेक्टिवली। वैल्यू पुट कर देंगे 16, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 16 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 4, 2 × 2 × 2 × 2, 16 - 11 इज इक्वल टू 5, 16 - 13 इज इक्वल टू 3 और 16 - 8 इज इक्वल टू 8, तो 8 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 × 2 × 2, 2 की पावर 3। अब इसमें पेयर बन गया अपने पास 2, 2 का 1 पेयर, 2 पेयर और अपने पास ये 3 पेयर, तो 3 times 2 अपने पास आ गया रूट से बाहर। रिमेनिंग जो अपने पास वैल्यू है वो अपने पास है 2, 3 और 5, 5 को 3 से 15 को 2 से करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 30, ये आ जाएगा रूट के अंदर 8√30 cm². ये होगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल जो अपने पास क्वेश्चन नंबर इसका सॉरी एग्जांपल नंबर जो 2 है वो आपके पास है, यहाँ पे ट्राइंगुलर पार्क है जिसकी साइड्स आपको गिवन है 120 m, 80 m and 50 m। कोई भी गार्डन अपने पास हो उसमें हैज़ टू पुट ए फेंस ऑल अराउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। इसके अंदर अपने पास वो ग्रास लगा रहा है इस ट्राइंगल फील्ड के अंदर, तो पहले तो इस ट्राइंगल का आपको देखो मैंने जो डार्क कर रखा है यहाँ पे पोर्शन, इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, तो साइड हो जाएगी 80, 50 और ये अपने पास कितनी है 120। उसके बाद जो इसकी बाउंड्री अपने पास इस फील्ड की, उस बाउंड्री पे वो कर रहा है यहाँ पे फेंसिंग, ठीक है ना, यहाँ पे वो वायर वगैरह कुछ भी यहाँ पे लगा रहा है तो उसकी फेंसिंग कर रहा है। और आपको क्या करना है यहाँ पे फ्रंट में
उसमें 3 मीटर का आपको क्या करना है, यहाँ पे जो गेट है उसके लिए स्पेस आपको छोड़ना है यहाँ पे, ठीक है। 3 मीटर का जो गेट के लिए स्पेस है वो आपको यहाँ पे छोड़ना है। उसके बाद आपको बताना है कि अगर फेंसिंग की रेट है वो 20 रुपीज़ पर मीटर है, फेंसिंग की जो रेट है वायर की वो अपने पास कितने 20 रुपीज़ पर मीटर। तो टोटल आपको क्या करनी है यहाँ पे रेट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो उसका एरिया ट्राइंगल का, ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा पहले तो ऐसे निकालेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, 120 प्लस 80 प्लस 50 बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 250 बाई 2, और यहाँ पे अपने पास एस की वैल्यू आ जाएगी 125 सेंटीमीटर। फिर एरिया अगर इसका फाइंड आउट करेंगे तो एरिया हो जाएगा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी यूजिंग हेरोंस फार्मूला। एस की वैल्यू 125 माइनस 120, 125 माइनस 80 एंड 125 माइनस 50, 125 एज इट इज 125 माइनस 120 इज इक्वल टू 5, 125 माइनस 80 इज इक्वल टू 45, और 125 माइनस 50 इज इक्वल टू 75। इन सभी के प्राइम फैक्टर किए और इसका जो आंसर आया वो आया 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक तो अपने पास आ गया इसका एरिया, ठीक है, जिसमें वो प्लांट करना है उसको ग्रास वगैरह जो भी इस ट्राइंगल फील्ड के अंदर, तो उसका एरिया अपने पास आ गया 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें फाइंड आउट करेंगे अपन जो फेंसिंग है, जो फेंसिंग की कॉस्ट है वो फाइंड आउट करेंगे। जो फेंसिंग कॉस्ट आपको देखिए उधर की 20 रुपीज़ पर मीटर, यहाँ हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ए पार्क इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 250 मीटर। पेरीमीटर अपने फाइंड आउट की थी, उसकी लेंथ ऑफ वायर नीडेड फॉर फेंसिंग 250 माइनस 3। अब ये 3 अपने यहाँ पे क्यों सेपरेट किया, क्योंकि मैंने देखो अभी लास्ट उसमें डायग्राम में आपको बताया था कि जो 3 मीटर वाइड है यहाँ पे, 3 मीटर वाइड आपके पास क्या यहाँ पे गेट का स्पेस आपको क्या करना है छोड़ना है यहाँ पे। तो बी सी अपने पास टोटल कितनी थी 120। पहले तो आप पेरीमीटर को क्या कर, पेरीमीटर निकाल लो इसके, उसमें से 3 मीटर क्या कर देना है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, जो गेट के लिए अपने पास स्पेस है उसको क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस, तो हो जाएगा यहाँ पे 250 माइनस 3 इज इक्वल टू 247 मीटर। कॉस्ट पर मीटर आपको गिवन है 20 रुपीज़, टोटल कॉस्ट हो जाएगी 247 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू 4940 रुपीज़, ये आएगा अपने पास टोटल कॉस्ट। अब सिमिलर जो इसका लास्ट एग्जांपल अपने पास एग्जांपल नंबर 3 इजी है, इस एज इज अपने पास क्वेश्चन भी अपने इस इसी वीडियो में अपन लास्ट डिस्कस किया है। द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो लेट कॉमन रेशियो बिटवीन साइड्स बी एक्स, वही अपने पास कॉमन रेशियो क्या ले रही है यहाँ पे एक्स, तो साइड हो जाएगी 3x 5x एंड 7x। पेरीमीटर इज इक्वल टू गिवन आपको 300 मीटर। अब इन तीनों को प्लस करके यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 3x + 5x + 7x इज इक्वल टू 15x इक्वल टू 300, वेयर एक्स इक्वल टू 300/15 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो साइड्स हो जाएगी यहाँ ए इज इक्वल टू 3 × 20 इक्वल टू 60 मीटर, B is equal to 5 × 20 is equal to 100 meter and C is equal to 7 × 20 is equal to 140 meter, S equal to A plus B plus C by 2, 300 by 2 equal to 150 meter, ये आ जाएगी यहाँ पे सेमी पेरीमीटर की वैल्यू। सेमी पेरीमीटर की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में जो अपने पास इसका एरिया हेरोंस फार्मूला से, वो एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू 150, ए की वैल्यू 60, बी की वैल्यू 100 एंड सी की वैल्यू 140 पुट कर दें यहाँ पे। 150 के प्राइम फैक्टर कर लिए यहाँ पे, 3 × 5 = 15, × 5 = 75 × 2 = 150, 150 - 60 प्राइम फैक्टर कर लिए अपने पास, 150 - 60 = 90, 90 फिर हम फैक्टर हो गए अपने पास, 3 × 3 = 9 × 2 = 18 × 5 = 90, 150 - 100 = 50, 50 के प्राइम फैक्टर कर लिए अपने यहाँ पे, 2 × 5 × 5, और 150 - 140 = 10, 10 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 × 5। अब यहाँ से इसमें जो पेयर बना के वैल्यू इसको सोल्व आउट करेंगे पेयर बना के, तो आंसर जो अपने पास आएगा वो आएगा 1500√3 m² 1500√3 m² ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। इसके जो एग्जाम्पल अपने पास एक्सरसाइज कम्प्लीट हुई यहाँ पर, एक्सरसाइज अपने पास ये 12.1 थी, हो गई यहाँ कंप्लीट। और इसके जो एग्जांपल अपने पास यहाँ एग्जांपल 1, 2 और 3, ये तीनों एग्जांपल इसके क्या पे क्लियर मैंने आपको सोल्व करवाए हैं। और जो एक्सरसाइज 12.2 है वो आपके इस बार सिलेबस में
डिलीट कर दी गई है। एक्सरसाइज 12.2 आपको यहाँ नहीं करनी है। एक्सरसाइज 12.2 जो है वो आपके पास सीबीएसई ने इस बार आपके सिलेबस से डिलीट कर दी है, वो आपको नहीं करनी है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 आपका कंप्लीट है।